हेलो एवरीवन, दिस इज शिव। वेलकम बैक टू शिव व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं हनोल। चलिए तो भैया, आज तो पुलिस ही पुलिस है चारों तरफ। आगियाँ निकल रही है। अरे नहीं, क्या बात, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। अरे नहीं, इतना मजबूत की क्या लिखा है ये, इतना मजबूत की जो चाहे रहे। ओ बेटे, हाथी हाथी रह रहा है अंबुजा सीमेंट के बनाए घर में, क्या बात है। मेरे बगल में देख रहे हो, ये है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बोले तो IMA। तो दिल से सैल्यूट है भाई इस जगह को। तो ये आ गया हमारा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, और इसी के सामने आपको मिल जाएगी मिठाई सिंह दरबार स्वीट शॉप। तो भाई यहाँ पे आके आप बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में खाना खा सकते हो। और ये है इधर पहलवान पराठा। तो भैया ये दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पहलवान थोड़ा ज़्यादा फेमस है। तो आप जब कभी भी यहाँ पे आओ तो पहलवान पराठा ज़रूर ट्राई करना। ओहो, रमेश पाल जी को आया गुस्सा, हमसे आगे कैसे चले गए तुम। बाकी अंबाड़ी वाला रास्ता यहाँ से, अभी अंबाड़ी 4 किलोमीटर है, लेकिन ये रास्ता बड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ना हमको छोटे छोटे खेत दिख रहे हैं, अच्छे पेड़ दिख रहे हैं, और थोड़ा ट्रैफिक कम है, तो इस वजह से हमें और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी ये दो हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं, प्लान तो था 5 से 6 लोगों का, लेकिन फिर एंड में हो गया सबका कैंसिल, जो कि होता ही है ना। ग्रुप अगर बड़ा है तो चांसेस आर वेरी लेस कि वो पूरा ग्रुप जा पाएगा। और आप इधर नज़ारे देखो यार, क्या मतलब, एकदम ना प्लेन ऐसा लग रहा है कभी कहीं जैसे प्लेन इलाके में आ गए। बड़े बड़े से खेत, वैसे बड़े खेत हैं नहीं ज़्यादा, पर लग बड़े खूबसूरत रहे हैं भाई। भाई अब जरा प्यार से चलाते हैं क्योंकि अब हम थोड़े से पहाड़ी इलाके में जाने वाले हैं। हरिपुर, मैं सोचा हरिद्वार। हरिपुर 2 मसूरी 58 सीधा ही जाना है ना। ये अच्छा लग रहा है भाई, उधर पहले पुल हुआ करता होगा पक्का। वो टूटा है, हाँ बहुत पुराना रहा होगा यार ये। ये नदी कौन सी है देखना जरा। अरे ये यमुना है भाई। अरे भाई साहब ये देखो यार, ये जा रही है देखो यमुना, क्या बात है। और ये यहाँ से सीधा निकलेगी आगरा। चलो फिर यहीं से चलते हैं आगरा। तो भाई अरे उत्तराखंड में नदियाँ साफ ही है भाई, गंगा भी उत्तराखंड में बहुत साफ है, यमुना और उसके बगल में हरियाली और पहाड़। और आगे देखो यार, आपको दिख रहे होंगे फॉग आ रखा है वैसे तो, लेकिन अब हम चढ़ने वाले हैं भाई यहाँ से पहाड़ों पे। हाँ थोड़ा गाड़ी का नाश्ता करवा लेते हैं ज़रा, फुल कर दीजिए भैया जी, पहले स्टॉप पे रोक दीजिएगा। हो गया भैया, धन्यवाद। हम कहीं जाएं, दिव्या कहीं जाए और एडवेंचर ना हो। हो गया देखो फ्लैट, बोला था वजन घटा ले अपना। ओहो तेज चलती नहीं, कभी कभी चलती है तेज, है ना। अच्छा मतलब दिव्या को पीछे बिठा के थोड़ा तेज चलाने का सोचा तुमने। ना ना ऐसा कुछ नहीं। चलो लड़का शर्मा रहा है। बाकी ये हुआ पहला एडवेंचर और ये आखिरी होगा, इससे ज़्यादा कुछ हो ना। इसको ठीक करवाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी रास्ता बहुत अच्छा है भाई, कुछ भी कहो कि काफ़ी ये एरिया काफ़ी ज़्यादा यू नो हरियाली थी इस एरिया में काफ़ी अच्छी। हो तो भैया ये आ गए हम एक बिल्कुल नई रोड पे, और भैया यहाँ पे तो मज़ा आ गया, कुछ भी कहो यार।
बाकी आप में से कौन कौन हनोल आया है यार भाई, ज़रूर बताना मेरे को ये चीज़। बल्कि मुझे पहले पूछना चाहिए था किसी व्लॉग में ताकि आप मुझे बता सको। अरे पत्तों का अटैक पत्तों का अटैक, ये देखो पत्तों का अटैक हुआ है हमारे ऊपर। असली दोस्ती दिखा रहा था क्या होती है। ओके तो भैया चाय पानी हो गया अभी यहाँ से, अब निकलते हैं आगे। एंड अभी भी हमको यार 102 किलोमीटर जाना है, बताओ 3.5 घंटे दिखा रहा है और टाइम हो गया 2.5। पर ठीक है, रास्ता अच्छा है लेकिन ज़्यादा तेज़ हम चल नहीं रहे हैं क्योंकि यू नो अभी अभी आँखों पे प्रेरणा के अभी पता नहीं क्या गया था और दाना हो गया अंदर, पर अभी ठीक है, अभी स्पेक्स वगैरह लगा लिए हैं एंड अब फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से। मज़ा बहुत आ रहा है भाई हनोल, बस जल्दी पहुँचे यार हनोल, क्योंकि हनोल के नज़ारे कुछ यू नो सुने हैं हमने, कुछ लाजवाब से भी ऊपर होते हैं। चलो कहते हैं भैया हनोल में वही जाता है जिसको बुलाया जाता है, वरना आप कितना ही प्लान कर लो चांस ही नहीं बनता है। तो भाई अभी हमारे भी 7-8 लोग थे चलने वाले, सबका प्लान कैंसिल, फाइनली 4 लोग जा रहे हैं। अभी देखते हैं पहुंच जाए, क्योंकि बात तो सही है यार, आप घर से निकलो है ना, बुलावा तो आ जाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बुलावा नहीं होता, आप ज़बरदस्ती सोचते हो। बाकी ऐसा नहीं था हमारा भी, ये हनोल जाएंगे, लाखा मंडल का प्लान था, बट सडनली हनोल कहाँ से प्लान बना कोई आइडिया नहीं लगा। और फाइनली हनोल के रास्ते में हमें दिख रही है यमुना, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। तो यही होता है जब यूनिवर्स आपको बुलाए किसी जगह पे, तो भैया निकल जाना चाहिए, मन मार के ज़िंदगी जी नहीं जाती, क्योंकि मन मारना ज़िंदगी में होता नहीं है कुछ। कहते हैं ना छोटे बच्चे में भगवान बसता है, बच्चा वही करता है जो उसको मन करता है, रोने का मन है रोएगा, चीखेगा चिल्लाएगा, खेलेगा, कुछ भी करेगा। तो बस वही बात है, जब मन करे ना कहीं जाने का, कहीं आपके पास आए तो थोड़ा सा एफर्ट डालो, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, अभी बुलावा आया नहीं है, बट पहल तो करनी पड़ती है यार। हमने सोचा कहीं जाएंगे तो वही देखो, अब हनोल में महासुदेव ने हमें बुला लिया है, तो बस अब हम चल पड़े अपने सफ़र को। तो ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो क्योंकि भैया यही है देखो जो है, इसके बाद किसी को नहीं पता कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, जाना कहाँ है। और अभी तो ये भी नहीं पता ना अर्थ मिलेगा कुछ और मिलेगा, तो भैया जितनी जगह है घूम लो, लूट लो मज़े, वरना फिर क्या होगा, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, फिर ना हाथ पैर चलेंगे ना कुछ होगा, बस पैसे कमाने के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसे तो आते रहेंगे, बस छोटा सा मैसेज है मेरा, पैसा आता रहेगा यार, यूनिवर्स ना जानता है आपको कहाँ कितना पैसा लगेगा, उतना जुगाड़ आपके लिए कर देगा, भरोसा करके देखो बस। तो चलो भाई ज्ञान की बातें बहुत हो गई। छुआड़ी, तो ये छुआड़ी का डैम है, अगर आपको दिख रहा होगा यार यहाँ से ना, यहाँ पे देखो वो पूरा देखो पानी भरा हुआ है, तो ये निकल रहा है देखो पानी, बाकी ये देखो पूरा डैम आपको यहाँ से दिखेगा। तो ये आगे जाके मिलती है यमुना में, तो सहिया, मीनस एंड टिमरा। तो भैया टिमरा आने वाला है 4 किलोमीटर बाद, नाम भी तो देखो यार क्या गजब है टिमरा। अब अगर हम अपनी बाइक की बात करें तो भाई साहब ज़बरदस्त, क्योंकि एक चीज़ तो है चाहे पहाड़ हो चाहे कुछ भी हो है ना, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग ही होता है, मैक्सिमम तो रोड्स होती ही हैं हर जगह पे, बाकी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, एवरेज ठीक निकलता है। एंड यू नो द पिकअप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पिकअप, क्योंकि किसी को ओवरटेक कर रहा हो तो भाई साहब बस थोड़ा सा एक्सीलरेटर, और ये चाहे चढ़ाई हो चाहे कुछ हो, ये सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलती है, भैया मैं भागने के लिए रेडी हूँ, एक्सेलरेट तो करके देखो तो बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है भाई। तो अब ये देखो यार क्या कितने प्यारे ये खेत लग रहे हैं ना, अभी उधर बच्चों चल रहा है क्रिकेट, ऑडियंस भी आई हुई है भाई क्या बात है वो इतने बड़े बड़े मैदान, वही पहाड़ों के बीच में इतने अच्छे मैदान, वाओ
तो पहाड़ और प्लेन एक हो गया। छोटी छोटी सुंदरियाँ। तो भाई उत्तराखंड यहाँ से होता है एंड, और फाइनली मैं पहली बार अपनी KTM को लेके जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश। ओ हो, ये तो गजब है भैया, ये तो गजब है। आहा, मजा आ गया भाई। तो भाई हिमाचल की वादियों में हमारा स्वागत है और आपका भी, और मजा आ गया। तब से हम इस नदी के उस तरफ चल रहे थे, अब फाइनली हम इधर आ गए हैं। तो भैया हम हिमाचल में आ गए। हाय 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 हाय, क्या बात। अभी आप सोच नहीं सकते, मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं है फिलहाल। तो भैया टाइम हो रहा है 4:22, आज है 26 जनवरी, और 26 जनवरी को हम पहुंचने वाले देखो हिमाचल की सड़कों पे। वो कहते हैं हिमाचल अपनी सड़कों से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो फाइनली देखो यार क्या रोड है। तो भाई अपना प्रदेश उधर रह गया और ये आ गया अब हमारा दूसरा प्रदेश उत्तराखंड का। भाई भाई मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल, मज़ा आ गया भाई। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद क्या होने वाले हैं, हम हिमाचल प्रदेश को छोड़ के दोबारा से चले जाएंगे उत्तराखंड में। मोए मोए। तो भाई देखो हिमाचल में अपना बस इतना ही था, उसके बाद हम दोबारा उत्तराखंड में चले जाने वाले हैं। मतलब बद्रीनाथ की याद दिला रहे हैं ये इतने बड़े बड़े पहाड़। भाई मज़ा आ गया यार इन्हें देख के ना, मतलब एकदम से मतलब पहले तो ऐसे थे कि ठीक है सूखे सूखे पहाड़ थे, अभी ये भी सूखे हैं लेकिन थोड़े बड़े हैं और थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव से लग रहे हैं। तो भाई अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे, यार गांव के नाम बड़े प्यारे हैं, ट्यूनी और भी बहुत सारे नाम हैं, बट बहुत सुंदर जगह है ये। अभी आप देखो यार यहाँ पे ना सनसेट हो रहा है, क्या खूबसूरत ये सनसेट लग रहा है ना अभी हाल फिलहाल। मतलब हम इस सिर्फ सनसेट के लिए ही रुके हैं, और यहाँ पे अब ये यू नो सन चला जाएगा, हम थोड़ा सा रात हो जाएगी हमको जाने में, बट ठीक है स्टिल फाइन, बट बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, तो ये हमारी पहली बाइक, वो हमारी दूसरी बाइक, ये हमारे पहले राइडर, और ये हमारी एक पिलियन, ये हमारे नॉन राइडर, और ये एक हमारी नॉन राइडर। मैम आपकी आंखें ठीक है अभी? हमारे एक डॉक्टर ने हमें ये चश्मा दे दिया, हमारी आंखें ठीक हो गई हैं। और कमाल की बात ये है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का अभी तक कोई बोर्ड नहीं आया है। इस जगह का नाम है अणु, और हम जा रहे हैं हनौल, और हनौल का अभी तक एक बोर्ड नहीं आया यार, तो इसलिए डाउट हो रहा है। ये गूगल मैप एंड में जाके ये ना बोलते भाई नदी के उस पार हनौल है, क्योंकि भरोसा कुछ नहीं है इसका। चलो भाई, हो तो भाई फाइनली वेलकम टू हनौल 9 किलोमीटर्स। भाई मेरे को ये भी नहीं पता GoPro में फुटेज कैसे आ रही होंगी, क्योंकि मैंने सेटिंग ISO आई थिंक मैक्स टू मैक्स 100 ही की हुई, वो 800 ही किया हुआ है। वो भी कब, जब मेरा भाई देख रहा था तो उसने यूं लगा दिए थे उस पे टीवी पे, तो तब देखे सुने यूं लगा दिए थे टीवी पे यूं। टीवी पे रहता था सब देख लेता है वैसे, फिर पहुंच गए थे यहाँ पे, 800 रुपये में रूम मिल गया है, रूम टूर में कराता हूँ अभी। बाकी बाइक हमारी वहाँ नीचे खड़ी है, और मंदिर हमारे सामने है बिल्कुल, ये मंदिर है और बाइक उधर खड़ी है बिल्कुल पीछे, यहाँ से दिख रही है बाइक। और क्योंकि मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है 100X के साथ, मैं बाइक देख सकता हूँ अपनी, और मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। तो ये है कुछ रूम इस टाइप का, अच्छा अच्छा एक पंखा दिया हुआ है, आराम फरमाया जा रहा है इधर, और एक छोटा सा घर सामने शीशा दिया हुआ है, और ठीक ठीक बाथरूम है, गीज़र दिया हुआ है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी ओवरऑल इधर थोड़ा सा स्पेस है, एंड बेड एक ही है हमारे पास अभी, इसको कह सकते हो कि ये दो सिंगल बेड है तो चार लोग आराम से सो सकते हैं। बाकी ठंडा वगैरह कुछ है नहीं यार हनौल में,
थोड़ा ठंडा होता मज़ा सा आता, बट यहाँ देखो मैं अभी यू नो स्लीव्स ऊपर करके खड़ा हुआ हूँ, कुछ ज़्यादा खास ठंडा है नहीं। तो बहरहाल अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, व्लॉग को लाइक कर सकते हो आप। बाकी मिलते हैं आपसे, कल हम दर्शन करेंगे जो महासुदेव हैं उनके, एंड देखेंगे क्या कहानी है, क्योंकि मुझे भी अभी तक पता नहीं है क्या कहानी है, बट ओवरऑल मज़ा बहुत आया है। तो अगर आपको मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अभी मैं ज़रा देखता हूँ मेरी बाइक कहाँ पर खड़ी है, तो टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, और हम जा रहे हैं महासुदेवता और हम बीच रास्ते में रुके हैं। ये देखो ये बहुत ही बढ़िया इस पत्थर ने जुमोर भाई को हिला दिया पोज बना रहे हैं क्या हुआ आपके साथ अभी गाइस? मैंने ना ऐसे किया और मैं पलट गया अभी। हेलो गाइस, अब मैं अपने पैर नहीं लाऊंगा मैं ये और हम जा रहे हैं महासुदेवता, और ये बहुत ही प्यारा नजारा मैं आपको भी दिखा दूंगी। प्यारा नजारा बहुत ही प्यारा नजारा, ये देखो ये हमारे साथ प्यारे ही ये देखो। हेलो पुष्पा, वहाँ पे काम कर वहाँ पे ना घास मिली, घास हरी हरी। ओ पुष्पा सुन, पुष्पा सुन, आई हेट दिस। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे आज सीख रहे हैं। ये हमारी फ्रेंड है जो नाराज बैठी है, माननी